बेस पॉलिटिक्स अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ, और वो तो काफ़ी अरसे से करते आए हैं, काफ़ी दशकों से उनका एंटी सनातन पोजीशन रहा है, लेकिन अब जो है वो लोग थोड़ा बहुत आक्रोश दिखने को मिल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इज़ इट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कि लोग बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं, या फिर सनातन के खिलाफ जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो बाकी राज्यों में भी ये फैल रहा है अब? मैं इस सवाल को ज़रा अलग तरीके से देखता हूँ। सवाल हमें कांग्रेस को पूछना चाहिए, जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा, और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं, और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे हैं। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या? जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज़्यादातर गांधीयन लोग थे, ज़्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, और पहला संविधान बना उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है रामायण, वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था, और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कुछ और दक्षिण के मंत्री हैं मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जो दक्षिण है वो अलग इकाई है, उत्तर अलग इकाई है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, और बीजेपी जो है वो दक्षिण भारत में सेंध नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने तो संसद में भी कहा था कि आप अगर पूर्व से देखें, बंगाल से देखें, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल तक जाएं, पूरे उस एरिया में बीजेपी सेंध नहीं कर पाएगी। दो अलग इकाई है क्या दक्षिण भारत और उत्तर भारत? पहली बात है, भारत बहुरत्ना वसुंधरा है, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ समुद्री तट भी हैं, यहाँ हिमालय भी हैं, और यहाँ सह्याद्री भी हैं, यहाँ गंगा के पट भी हैं और कावेरी के पट भी हैं। तो भारत को टुकड़ों में देखना ये भारत के प्रति नासमझी का परिणाम है। अगर यही भाव होता, अगर आप हिंदुस्तान में देखें प्रभु राम के नाम से जुड़े हुए गांव कितने सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो तमिलनाडु में है। इतने सारे गांव के नाम हैं कि उसमें राम तो होगा ही होगा। अब इसको आप कैसे अलग कह सकते हैं, किसको गले उतारेंगे आप? लेकिन भारत की विविधता है, पंजाबी जैसा होगा वैसा नागालैंड का व्यक्ति नहीं होगा, गुजराती जैसा होगा वैसा कश्मीर का व्यक्ति नहीं होगा। तो विविधता ही तो हमारी शक्ति है, हमने विविधता को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें गुलदस्ता ऐसा है भारत का जिसमें हर एक का अपना फूल दिखाई दे, ये भाव होना चाहिए।